हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है बुलेट सिंह और आज हम देखने वाले हीरो डुएट का माइलेज। तो जल्दी ही इस गाड़ी का पेट्रोल जो पूरा ख़त्म होने वाला है, वैसे मैंने इस गाड़ी को पूरा ट्राई कर दिया है, लेकिन जो भी कार्बोरेटर में और थोड़ा सा जो टैंक एकदम तले में पेट्रोल रहता है वो हम नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए गाड़ी को चलाना पड़ता है। बस लो, अभी ये गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने वाला है और ये देखिए आपके सामने गाड़ी झटके खा रही है। मैं चौक ले लेता हूँ कि बाकी पेट्रोल भी ख़त्म हो जाए। अभी ये चौक लिया मैंने और ये लो देखिए खत्म। चलो चलो चलो। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत लोगों को यकीन नहीं होता, बोलते भाई तुम गाड़ी को पूरा खाली करके दिखाते, गाड़ी चालू नहीं होता है वैसा करके दिखाते। तो ये आप सभी लोगों के लिए कि गाड़ी देखिए पूरा पेट्रोल ख़त्म। ये देखिए ख़त्म यहाँ पे पेट्रोल ख़त्म। साइड में आ जाओ, फिर भी हम दो चार बार स्टार्ट करके देखेंगे। गाड़ी यहाँ चौक में है, ये देखिए बस 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 बस, अब इससे ज़्यादा नहीं हम कुछ कर सकते। धूप बहुत तगड़ा है और बहुत गर्मी हो रही है, अंदर एकदम पसीने वसीने सब आ रहे, लेकिन काम तो करना है आप लोगों के लिए। तो आज है हमारे पास हीरो डुएट का मिलने वाले माइलेज। तो बिना ज़्यादा कुछ बोले जल्दी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम पास है यहाँ पे आज एक लीटर पेट्रोल। तो चलो गाड़ी का एवरेज निकालते हैं, एक लीटर पेट्रोल में कितना देता है गाड़ी एवरेज। ओके, तो क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारे पास है एक लीटर, तो फटाक से गाड़ी में एक लीटर पेट्रोल डाल देते हैं, उसके बाद इसको चलाते हैं। जा रहा है पेट्रोल जा रहा है। यस जब सेकेंड ट्रिप है इसको हम जीरो कर लेते हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने सेकेंड ट्रिप यहाँ पे ज़ीरो हो गया। ले लीजिए यहाँ पे हमारी गाड़ी चालू और चौक को बंद कर दिया और आ गए रास्ते पे। और देखिए गाड़ी में यहाँ पे इकोनॉमिक्स बताया गया है। हाँ, तो हम जो गाड़ी को इकोनॉमिक्स में चलाएंगे और देखेंगे गाड़ी का कितना, जो इकोनॉमिक में टॉप स्पीड है वो है 50 का। तो ये गाड़ी जाएगी 50 स्पीड बीच में, शायद से कभी कभी 50 को क्रॉस कर पाएगी। मानोगे नहीं, लेकिन ये जो हमारे भाई बड़े भाई ये गाड़ी चलाते हैं ना, उनको मतलब लगता है कि वो उनको, क्योंकि ये जो गाड़ी है उनको एवरेज देती है 50 के ऊपर का। तो चलो आज उनका हम पूरा डाउट जो है, मतलब जो अंदाजे बोल रहे हैं वो आज हम कंफर्म कर देंगे और आपके वो भी कंफर्म कर देंगे कि हीरो डुएट कितने का एवरेज देती है। तो 8.1 किलोमीटर कंप्लीट ये स्कूटर का, और यहाँ से जो मनोहर है 2.5 किलोमीटर है और पालघर जो है कुछ 18 या 19-20 किलोमीटर है, ऐसा कुछ है। तो काफ़ी लंबा रूट मारने वाले और गाड़ी को मैं इकोनॉमिक में ही चला रहा हूँ, आपको मैं बता दूँ। और इकोनॉमिक बोले तो सही चीज़ है यार, इकोनॉमिक में मतलब ऑलमोस्ट आधी इंडिया इकोनॉमिक में गाड़ी चलाती है। तो और यहाँ पे भी दो दरगाह है, एक है राइट साइड में और एक है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ का भी उर्स हमने कवर किया इस साल। तो इंडिया में लोग गाड़ी कैसी भी हो, गाड़ी का लुक कैसा भी हो, लेकिन सभी से पहले जो लोग देखते हैं वो है माइलेज, कि भाई गाड़ी कितना माइलेज देता है एक लीटर में। लो जी, ये गाड़ी का यहाँ पे 30 किलोमीटर कंप्लीट होने वाला है, मतलब 29.3 हो गया है। तो ये जैसे लगता है कि 50 तो आराम से क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि भाई हमारा 2 साल से ये गाड़ी को यूज़ कर रहा है, इसको पूरा पता है। फिर भी मैं ये आप लोगों को बताने के लिए इस गाड़ी का एवरेज निकाल रहा हूँ। जो गाड़ी अब आई 36 किलोमीटर कंप्लीट, लेकिन जब थोड़ा गड्ढा विड्ढा आया था तो गाड़ी ऐसे थोड़ी सी बुड़बुड़ हुई थी जब गड्ढा विड्ढा आया था। तो अब पता नहीं वो गड्ढे में से पेट्रोल ऊपर नीचे हुआ रहेगा, इसके वजह से ऐसा हुआ रहेगा। जो है बार बार वॉइस को खराब कर दे रहा है कि इस गाड़ी ने 45 किलोमीटर क्रॉस कर लिया, देख लीजिए एक बार, देखा आपको 45 किलोमीटर पार कर लिया, मतलब किसी गाड़ी को तो पीछे छोड़ दिया। आई थिंक जो अप्रिला को पीछे छोड़ा है, वैसे भी अप्रिला 250 150 सीसी की। फिल्टर में हीरो डुएट ने
45 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है और एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 5 किलोमीटर और क्रॉस कर ले तो 50 किलोमीटर हो जाएगा इकोनॉमिक में। 37.3 किलोमीटर तो मैं भी यहाँ पे अभी थोड़ा सा मुझे भी मज़ा आ रहा है कि हाँ आप कितना देगा, आप देगा क्या 50 तक ही जाएगा। मैं मतलब झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। गाड़ी ने यहाँ पे 53.4 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है और बहुत ही अच्छा एवरेज दिया यार गाड़ी ने, मतलब अब तक बहुत ही अच्छा एवरेज दिया। और मैं ना थोड़ा येड़ा सा हो गया, मुझे सब जगह ना एक गाड़ी दिख रही है, बता दो यार कौन सी गाड़ी जो मैं बहुत लाइक करता हूँ जो मेरे पास है नहीं। तो गाड़ी ने यहाँ पे 53 का एवरेज दिया है और अभी तक गाड़ी चल रही है। अब पता नहीं अब कितने और चलेगी ये भाई। बस इतना अच्छा एवरेज मिलती है वरना लोग ना फिर मचाऊँगा। गाड़ी 54.5 किलोमीटर चली है और सडनली एक स्पीड ब्रेक आया और गाड़ी बंद हो गई। ओके अरे चालू हो, एक बार किलोमीटर देख लो आप लोग, देखा आपको यहाँ पे किलोमीटर चौक लिया चालू हो गया। नहीं, नहीं। चालू हो गया बंद। पे गाड़ी का पेट्रोल खत्म, नहीं पेट्रोल खत्म हो गया नहीं, है मेरे पास पेट्रोल है। मतलब सडनली बंद हो गया, मैं रिकॉर्डिंग चालू नहीं कर पाया। तो गाड़ी ने मस्त एवरेज दिया है भाई, गाड़ी ने जो एवरेज दिया है 54 मतलब एक बहुत ही अच्छा एवरेज है इकोनॉमिक में भाई। 54 का एवरेज मतलब समझ गए ना यार, मतलब 5 लीटर में आप 250 किलोमीटर जा सकते हो। तो अभी का जो पेट्रोल का रेट चल रहा है वो 82 कहेंगे, गुजरात में 73, तो पता नहीं ये कैसा रूल्स है, सब जगह इंडिया में अलग अलग रेट चलते हैं पेट्रोल के। चलो आगे हम आपसे थोड़ी बात करते हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं हीरो डुएट, काफ़ी अच्छा एवरेज दिया गाड़ी ने, 54 का एवरेज दिया है, मतलब ये बहुत ही अच्छा स्कूटर है, एवरेज बेस्ट है। गाड़ी को 2 साल हो चुका है और गाड़ी ने अच्छा इतना अच्छा एवरेज दिया, तो यही मुझे बस बताना है आप लोगों को कि कौन सा गाड़ी कितना एवरेज देता है, क्या एवरेज उनका है। और इस गाड़ी को मैंने इकोनॉमिक में चलाया, बिल्कुल नहीं भगाया, 50 के ऊपर बिल्कुल नहीं गाड़ी गई। मैंने अभी तक टाइम भी नहीं देखा कि टाइम कितना हुआ है, बस सुबह गाड़ी लिया निकल गया एवरेज निकालने के लिए। और भाई एवरेज निकालने में जो मतलब मेहनत लगती है ना भाई, 54 किलोमीटर गाड़ी कंटिन्यू चलाया नॉन स्टॉप, समझ गए, इतनी मेहनत की, मतलब इतनी मेहनत हर वीडियो में करता हूँ। सो बस ऐसी मेहनत को आप देखते जाइए, सपोर्ट कीजिए आगे। आई होप कि मैं आपने जहाँ जहाँ बोला है आने के लिए और जिस जिस गाड़ी का बोला है एवरेज निकालने के लिए, उस गाड़ी का एवरेज निकालेंगे और हम आपके सिटी भी घूमने आएंगे। तो यहाँ पे हीरो ड्यूएट ने दे दिया है 54 का माइलेज 1 लीटर में। सो अभी नेक्स्ट गाड़ी जो हमारे पास है, 2-3 है गाड़ी, उसका करेंगे धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी मेरा 2-3 दिन बिजी होने वाला हूँ एक दूसरे कामों में। तो अभी के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। और मैंने इस गाड़ी को पूरा ड्राई कर दिया था और पूरा ड्राई करने तक गाड़ी को चलाया परफेक्ट, मैंने कुछ चीट नहीं किया आप लोगों से। ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने पैसा दिया, भाई तू इस गाड़ी का 50 के ऊपर का एवरेज दिखा मैं तुझे पैसा, तो बिल्कुल नहीं, ये मैं सिर्फ कर रहा हूँ, एक तो मेरे लिए कर रहा हूँ कि मुझको ये सब करने में मज़ा आता है। और आप लोग बोलते हैं कि ये सब गाड़ी का वीडियो बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, इसलिए करता हूँ मैं कुछ भी, मतलब जो जिसमें मज़ा आए ना भाई वो करता हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ और आज शाम को ही है उरुस, ओके, तो ये वीडियो मैं शाम को ही अपलोड कर दूँगा, मैं लेट नहीं करूँगा, बिल्कुल लेट नहीं करूँगा, क्योंकि कब से आपने बोला हीरो डुएट का माइलेज का वीडियो बनाओ, आज बना दिया और आज शाम को उरुस, तो उरुस का वीडियो कल आएगा और ये शाम को मैं एडिट करके अपलोड कर दूँगा। तो देखो मेहनत, राइट करो, एडिट करो, अपलोड करो, फिर दूसरे वीडियो की तैयारी करो, मज़ा आता है यार, रियली बहुत मज़ा आता है। एक दिन अगर जिस दिन मुझे वीडियो का कंटेंट नहीं मिलता ना, मैं बेचैन हो जाता हूँ, अरे यार आज क्या करूँ आज क्या करूँ, फिर ढूंढने लगता हूँ यहाँ वहाँ और कुछ ना कुछ करके ना वीडियो अपलोड कर ही देता हूँ। मुझे करना ही है, दिखाना ही है लोगों को कि क्या चल रहा है इस बंदे के लाइफ में, ओके, मतलब आप लोग देखते सीरियल की तरह देख लो यार ना। सो बाय बाय।